लॉकडाउन के दौरान लोगों को जागरूक करने और उन्हें अकारण बाहर निकलने से मना करने के काम में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व स्वयंसेवक भी मुरादाबाद महानगर में पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में शहर अमन कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यगण भी महानगर के विभिन्न चौराहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और साथ ही लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, अपने अपने घरों में रहें तथा कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। जीआईसी कॉलेज के चौराहे पर रोजाना ड्यूटी देने वाले शहर अमन कमेटी के वार्ड 39 के अध्यक्ष एवं युवा समाज सेवी मोहम्मद शारिक ने भी सभी महानगर वासियों सहित सभी भारतवासियों से ये गुजारिश की है कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, अपने घरों में रहें और अगर किसी बेहद ज़रूरी काम से बाहर जाना ही हो तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर जाएं। वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद शारिक ने कहा, देखिए, लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जैसे कोरोना बीमारी बहुत फैलती चली जा रही है, इससे लोगों को बचना चाहिए और बिना ज़रूरत बाहर से नहीं निकलें, और कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है तो बस एक आदमी बस अपनी ज़रूरत को पूरी कर पाए। आप लोग यहाँ पर कब से ड्यूटी दे रहे हैं जीआईसी चौराहे पर? जीआईसी चौराहे से ड्यूटी चल रही है जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ही शहर अमन कमेटी को ऑल इंडिया सभी चौराहों पर ड्यूटी दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की हैं इस अवसर पर, सब्जियों की गाड़ियां पहुंच रही हैं, राशन की गाड़ियां पहुंच रही हैं, तो इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं से कहां तक आप मुतमईन हैं? प्रशासन का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा काम चल रहा है प्रशासन का भी, प्रशासन का भी सहयोग है, बहुत सहयोग है प्रशासन का भी। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? अब शब बारात का मौका आ रहा है, अब तक तो लोग ये करते थे शब बारात की रात में इधर उधर घूमते फिरते थे, मगर अब माहौल नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, बहुत अच्छा है, शब बारात का हमारा त्यौहार आ रहा है, जैसे लॉकडाउन ये चल रहा है तो, लेकिन मैं बहुत अपना गंभीरता से लेना है इसको काम, ज़्यादा बिना ज़रूरत घर से बाहर नहीं आना है। इबादत घरों के अंदर ही करें, घरों के अंदर ही इबादत जितनी करे जाए उतनी घरों के अंदर इबादत करें, नमाज पढ़ें, अपने नफिल पढ़ें, नफिल पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान मोहम्मद शारिफ के साथ शहर अमन कमेटी के ही मोहम्मद शुएब और अमीर हुसैन भी मौजूद रहे।